मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलवारी पहाड़ की ओर अपने क्रूस को ढोते हुए प्रभु यीशु जा रहे थे। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। लोग उनको देखते थे, कुछ लोग उनको उपहास करते थे, कुछ लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत दर्द था, पीड़ा थी। वचन में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 23 में कि कुछ नारियां यीशु को देखकर यीशु के किए हुए उन सारे कार्यों को याद करते हुए, यीशु की उस दर्दनाक परिस्थिति को देखते हुए रो रही थी, बिलख रही थी। लूकस अध्याय 23 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने नारियों की ओर मुड़कर उनको देखकर उनसे क्या कहा। प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु ने कलवारी के उस मार्ग पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। आने वाले दिनों में आने वाले संकटों के बारे में, आने वाले दिनों में आने वाले महा प्रलोभनों के बारे में, भयानक प्रलोभनों के बारे में प्रभु यीशु वास्तव में भविष्यवाणी कर रहे थे। और वो समय आ गया है जब हम सभी, विशेष करके हमारे बच्चे, भयानक प्रलोभनों से गुजर रहे हैं, भयानक संकटों से गुजर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मसीही माँ मेरे सामने आई, युवती हैं, जवान हैं, 21 साल की उसकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई और उसने शादी कर ली। ये कहकर रो रही थी कि मैं क्लास 4 का काम करती हूँ स्कूल में, और अपनी इस बेटी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सारा पैसा उसके पढ़ाई में लगा दिया। ग्रेजुएशन कर रही थी, उसने जाकर शादी कर ली, आकर उसके पति के घर में रहने लगी, मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है उसके घर से, और वो अपने घर आने से इनकार करती है। उस बहन ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं कोई अनजान व्यक्ति हूँ उसके लिए, ये कहकर वो बिलख रही थी। उसने कहा, मैं हार गई, तभी मैं आपके पास आई हूँ। प्रभु कहते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, माता को बच्चों पर अधिकार दिया गया है, माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। बहुत जबरदस्त वचन है। इस अधिकार का मतलब क्या है? बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है, माताओं को बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। आजकल मैं दंपतियों से कहता हूं, माता पिताओं से कहता हूं कि माता पिताओं की भूमिका बदल गई है। सिर्फ बच्चों को जन्म देना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, शादी कराना ही नहीं है, माँ बाप की भूमिका बदल गई है। माँ बाप को अंतिम पल तक अपने बच्चों को सहारा देने की आवश्यकता हो रही है। माँ बाप की भूमिका बदल गई है। एक माता की भूमिका कितना कठिन हो गई है, कितना कठिन हो गई है। ये सच है कि 3 साल की उम्र में आपके बच्चे ने आपकी उंगली को छोड़ दिया, अपने से चलने लगा, अपनी राह पर चलने लगा। लेकिन यह भी एक सच है कि हर पग को उसको आपकी जरूरत है। जानते हैं, जब उसके जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो आह भरता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? माँ, मम्मी, अम्मा। क्या मतलब इसका? उसको आपकी आवश्यकता है, पग पग पर आपकी आवश्यकता है। जब वो छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था, उस समय आपकी आवश्यकता थी। जब उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आई, वो परिवार बसा रहा है, उस समय भी आपकी आवश्यकता है, आपके सहारे की आवश्यकता है, आपके सशक्त प्रार्थना की आवश्यकता है। जानती हैं मेरी बहनों, माताओं, आपके बच्चों को आजकल कितने कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
कैसे तूफानों से जूझना पड़ता है, अश्लीलता के तूफान से जूझना पड़ता है, लैंगिक आजादी के तूफान से जूझना पड़ता है, भौतिकवाद और अय्याशी के उस तूफान से जूझना पड़ता है, गलत और गंदे रिश्तों के उस तूफान से जूझना पड़ता है, नशे के तूफान से जूझना पड़ता है। अपने बच्चे को दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, बेंगलुरु गया है, पुणे गया है, सिकंदराबाद गया है, अमेरिका गया है, बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी को नहीं गुजारना, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। उन सारी जगहों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये प्रभु मेरे बच्चे को नशे से छुड़ाना, बचाना, मेरे बच्चे को गलत रिश्तों से बचा के रखना, मेरी बेटी गलत रिश्तों में गलत हाथों में ना जाए, अकेली है, अनजान जगह पर है, निरंतर उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं एक दंपति को जानता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसका एकमात्र बेटा पढ़ाई कर रहा था, बीएससी कर रहा था, पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, परीक्षा का समय भी बीत गया, अब रिजल्ट का समय आया, आगे की पढ़ाई के बारे में चर्चा करने का समय आया, माँ बाप ने पूछा कि तुम्हारे रिजल्ट तो दिखाओ, अंत में पोल खुल गया कि वो कभी कॉलेज गया ही नहीं, रोज जाता था पैसा लेकर, खाना लेकर, कॉलेज 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो कॉलेज पढ़ने नहीं जाता था, अपने दोस्तों के साथ यहां वहां भटकता था, धोखा खा गए, मां बाप की भूमिका बदल गई है। प्रभु यीशु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए थे यहां पर आश्रम में, उसका एकमात्र बेटा इसी तरह धोखा दिया और आज वो इसके लिए खतरा बन गया है, इसीलिए क्यों धनी है, ब्लैकमेल करते रहता है, मुझे उस तरह की कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल। वो भाई मेरे सामने बैठकर बिलख रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। परिस्थितियां बदल गई हैं, प्रभु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो। हमें मां मरियम से सीखने की जरूरत है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने प्रभु यीशु के वचनों को सुना मंदिर में और वे आपस में कहते थे ये कभी पढ़ा नहीं, इसको ये सारा ज्ञान कहां से मिल गया, ये कभी पढ़ा नहीं, इसको ये सारा ज्ञान कहां से मिल गया। सबसे पहले प्रार्थना में प्रभु को ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसने उसको ज्ञान दिया, वो और कोई नहीं है बल्कि उसकी मां है। एक अच्छी यहूदी मां की तरह उस मां ने उसको यहूदी परंपरा के बारे में सिखाया होगा, पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई बातों के बारे में सिखाया होगा, मूसा के उन नियमों के बारे में सिखाया होगा, नबियों के बारे में सिखाया होगा, क्योंकि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इन सारी बातों के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, उसमें से उद्धृत करते हैं। तो प्रभु यीशु को मां ने बहुत कुछ सिखाया। एक मां वास्तव में हमारी पहली गुरु होती है, किसी भी मनुष्य के लिए मां सबसे पहली गुरु होती है। मां सिखाती है, मां विधियां सिखाती है, मां आध्यात्मिक ज्ञान देती है, मां भक्ति देती है। माता मरियम ने जरूर दिया होगा। इतना ही नहीं, जब उसका बेटा 30 साल की उम्र में समाज में उतरा, सुसमाचार की घोषणा करना शुरू किया, उसको कितने विरोध का सामना करना पड़ा। जरूर वो अपनी मां के पास आकर कहा होगा कि मां क्या क्या हो रहा है। वो मां उस बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी। गेतसमनी बाग में अकेले अपने शिष्यों के साथ बैठकर जब रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, खून का पसीना बहा रहा था उस समय, मेरा पक्का विश्वास है वो मां अपने घर पर बैठकर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी।
कलवारी पहाड़ी की ओर जब उस क्रूस की यात्रा में वो आगे बढ़ रहा था, मुझे पक्का विश्वास है कि वो माँ दूर से उसका अनुगमन कर रही थी और निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे बेटे पर दया कर, ताकत दे, शक्ति दे। जब क्रूस पर लटके हुए थे यीशु, उसकी माँ क्रूस के नीचे खड़ी थी, तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ी थी। मेरा पक्का विश्वास है समय वो माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसको सहारा दे रही थी, कह रही थी कि मैं हूं तेरे साथ, घबराना नहीं, टूटना नहीं। वो माँ निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर, मेरे बेटे को टूटने नहीं देना, निराश नहीं होने देना। वो प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रिय, विशेष करके बहनों, जीवन के अंतिम पल तक इसी तरह हमें अपने बच्चों को सहारा देना है। वास्तव में एक सच्ची माँ बनकर अपने बच्चों के जीवन की यात्रा में पूरी तरह से सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 2 में वाक्य 18 और 19, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। वाक्य 19, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। उठो रात में चिल्लाओ, सोए मत रहो, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, बड़े सवेरे पानी की तरह अपना हृदय बहा दो प्रार्थना में, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये करना है, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए, अपनी बेटी के प्राण बचाने के लिए, अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए दिन रात अपने हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करो। 2 रोज पहले करीब 38 साल का एक जवान भाई मेरे पास आया, दूर किसी शहर में बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। वो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आए थे। जब उसने कहा कि स्वामी जी, मैं यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, काम करते समय समय नहीं मिलता है, मेरा दिल गदगद हुआ। एक जवान आदमी प्रार्थना के लिए आश्रम आता है, कोई परेशानी लेकर नहीं आया था, प्रार्थना करने के लिए। उससे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उसके अंदर कितनी खुशी है, कितनी उमंग है। मैं उसके माँ बाप को भी जानता हूँ, वे दोनों कितने अच्छे मसीही हैं, अच्छे विश्वासी, प्रार्थनामय लोग, आनंद से परिपूर्ण लोग। प्रार्थना का फल देखिए, अकेले किसी शहर में रह रहा है लेकिन हर तरह से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 29 और 40, आपने सुना है वहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, मनुष्य क्यों शिकायत करें, इसे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण करें। आगे लिखा हुआ है, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। वाक्य 41 में, हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें, शिकायत ना करें, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, शिकायत नहीं करें, ये ना करें, परिस्थिति बहुत खराब है, बल्कि हमें क्या करना है, विश्वासी होने के नाते हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करना है, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाना है। उसी अध्याय के शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 49 और 50 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। ये हमारा भी मनोभाव होना चाहिए, ये अय्याशी का समय नहीं है,
ये आध्यात्मिक परिश्रम का समय है। इस जमाने में हम अय्याशी में नहीं जी सकते हैं, क्योंकि खतरा चारों ओर है। वचन में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 77 में उसके वाक्य 3 में वचन में लिखा हुआ है, 2 और 3 में, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वो मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। क्या लिखा हुआ है, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। चाहिए मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, बिना थके। क्यों? क्योंकि शैतान इतना जबरदस्त है, प्रलोभन इतने जबरदस्त हैं, तूफान चल रहा है। इसमें आपके बच्चे को बचाने के लिए आपको निरंतर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर रो रो कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप विकास की बात सोचते हैं, आप सोचते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये प्रार्थना करनी है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आपने संत अगस्तीन के बारे में सुना है। संत अगस्तीन कलीसिया के एक महान खंबा है, एक महान चिंतक। संत अगस्तीन की जीवनी कैसी थी आप जानते हैं, पाप में थी। उसने अपनी युवावस्था को पाप में बिताया। इतिहास बताता है उनकी मां मोनिका निरंतर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही, आंसू बहा बहा कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। कई माताएं, कई पिता निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अविराम आंसू बहा वचन में लिखा हुआ है, बिना थके हारे अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करना वचन में लिखा हुआ है। मोनिका थकी नहीं, हारी नहीं, अगर वो थकी होती तो आज संत अगस्तीन नहीं होते। निरंतर वो प्रार्थना करती रही अपने बेटे के लिए कि बेटा पाप में मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चले आए, और उस मां के आंसुओं का विवरण प्रभु के पास था। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 56 में, कि मेरी विपत्तियों के विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। वो मां निरंतर प्रार्थना करती रही अपने बेटे के लिए, और नतीजा उसका बेटा पाप का मार्ग छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक संत बन गया, और उसके कारण मोनिका भी संत बन गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है प्रार्थना का समय। एक तरफ प्रलोभन है, तो दूसरी तरफ प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों को प्रलोभनों से बचा सकते हैं। हमें संत पेत्रुस की उस चेतावनी को भूलना नहीं चाहिए। पेत्रुस ने कहा है, 1 पेत्रुस अध्याय 5 वाक्य 8, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। एक सच्चाई है, शैतान ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। कोई भी उसका शिकार बन सकता है। हो सकता है कि आज आपके पड़ोसी का बेटा उसका शिकार बना हुआ है, कल आपका बेटा उसका शिकार बन सकता है। इसलिए पेत्रुस कहते हैं कि जागते रहें। पेत्रुस कहते हैं जागते रहें, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। आपका बेटा, आपकी बेटी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बचपन से आपने अच्छा संस्कार दिया है, लेकिन किस समय वो पलट सकता है, किस समय वो शैतान के चंगुल में आ सकता है, कोई नहीं कह सकता है। शैतान के चंगुल में कोई भी आ सकता है। प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 18 वाक्य 7 में, प्रलोभन अनिवार्य है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, प्रलोभन अनिवार्य है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां प्रलोभन नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो प्रलोभन में नहीं आ सकता है, सभी के सामने प्रलोभन आ सकता है। अगर अदन बगान में शैतान प्रवेश किया तो आप और मेरी परिस्थितियों में क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए पवित्र वचनों को समझते हुए हमें हर समय सतर्क रहना है और विशेष करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों की परिस्थिति बहुत नाजुक है, उनकी उम्र नाजुक है, बहुत ज्यादा दुर्बलताओं से घिरे हुए वे। ऐसी परिस्थितियों में फिसलना गिरना बहुत आसान होता है। माँ बाप होने के कारण हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन को मैं फिर याद दिलाता हूं, माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया है, बच्चों की जिम्मेदारी उसको दी गई है। प्रभु येसु कहते हैं, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु येसु, तेरी इस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें पहले से आगाह किया है, हमें बता दिया है कि हमें रोना है, प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन है, ऐसे तूफानों से जूझ रहे हैं कि वे खड़े नहीं हो पाते हैं। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए, निरंतरता का वरदान दीजिए। तेरे वचन में लिखा हुआ लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में, बिना हताश हुए निराश हुए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। एक ऐसा वरदान दीजिए।